इस प्रसंग में अभी वर्णन होगा कि किस प्रकार श्रीमती राधारानी को रुक्मिणी जी ने गर्म दूध पिला दिया, जिसके प्रभाव से श्री कृष्ण के चरणों में छाले पर गया। दूध पिया श्रीमती राधारानी और छाले पर गया श्री कृष्ण को। इस बात ये आश्चर्यजनक बात को जानने के लिए रुक्मिणी जी का कौतूहल हुई। इस प्रसंग में हम आज बात करेंगे। जब पाटराणियों के सहित परिवेष्ट होकर के श्री कृष्ण श्रीमती राधारानी के शिविर में आए, श्रीमती राधारानी बहुत आनंदित होकर जय जयकार करता हुआ श्री कृष्ण को उठ करके खड़ा होकर हाथ जोड़ के आनंदाशु बहाते हुए परिक्रमा करती हुए श्री कृष्ण को स्वागत किया और बैठने के लिए एक बहुत ही सुंदर आसन दिया जो स्वर्णमय था। आसन के दोनों साइड में श्यामंतक मणि और पद्मराग मणि आदि बहुत सारे मणि लगा हुआ था। सिंहासन चंद्रमा की तरह गोल थे। सतवामा जो वैभव अपने लिए गिनाया था, भगवान श्री कृष्ण को जो श्रीमती राधारानी जो आसन दिया बैठने के लिए, वही आसन में समस्त वैभव छुपा हुआ था। क्योंकि उस मणि में, उस आसन में पद्मराग मणि, कौस्तुभ मणि, श्यामंतक आदि बहुत से मणि लगा हुआ था। से श्रीमती राधारानी के वैभव का आप पता लगा सकते हैं। आसन में बैठ जाने से पर श्री कृष्ण, श्रीमती राधारानी श्री कृष्ण को कहा, हे श्री कृष्ण, आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज मेरा जन्म धन्य हुआ, आज मेरे सिद्ध आश्रम में आना सफल हुआ, सिद्ध आश्रम में स्नान करना सफल हुआ, क्योंकि आज मुझे श्री कृष्ण धन प्राप्त हुआ है। हे देव, तुमने मेरे सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मार भगाया, जिससे त्रिलोक विजयी कंस भी डरते थे, शंखचूर आदि को मार गिराया। हे हरे, मेरे प्रति प्रेम दिखाने के कारण ही तुमने ब्रजमंडल में देवताओं का वैभव प्रदर्शित किया। हे देव, तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान मर्दन किया, मेरे ही कारण ब्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत का धारण किया, रासमंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश में हो गए। हे देव, तुम्हारा यह चरित्र नरलोक की विडम्बना मात्र है। नारद जी ने कहने लगे, हे राजन, यह कहते हुए श्रीमती राधारानी ने चंद्रनना के प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण के रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आनंद के साथ उन सबको सम्मान दिया। रुक्मिणी, जामवती, सत्वमा, सत्या, भद्रा, लक्षणा, कालिंदी और मित्रविंदा परस्पर गले मिलकर रोहिणी आदि 16,000 रानियों को भी प्रेमानंदमय आलिंगन देकर श्रीमती राधारानी दोनों भुजाओं में भर लिया और पाकर कर आनंद से हृदय में लगाया। श्रीमती राधारानी ने बोले, बहनों, जैसे चंद्रमा एक है किंतु उससे स्नेह करने वाले चकुर बहुत है, जैसे सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाली दृष्टियाँ बहुत है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण एक है किंतु इनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियाँ हैं। जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर जानते हैं, सोना के परोग जहरी जानते हैं, विद्या के प्रभाव विद्वान जानते हैं, काव्य के प्रभाव को कविंद्र जानते हैं, जैसे सहस्र मनुष्य के होने पर भी रस के भाव को केवल रसिक ही जानते हैं, उसी प्रकार हे राजकुमारियों, इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथा रूप से इनका भक्त ही जानता है। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री राधिका की बात सुनकर उस समय सपत्नी सहित भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी ने कमल लोचना श्री राधिका को कहा। रुक्मिणी बोली, श्री राधे, वृषभानु नंदिनी, तुम धन्य हो, तुमने भक्ति भाव से श्री कृष्ण को सदा अपने वश में कर लिया। तीनों लोकों में श्री कृष्ण किसी के वश में नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से श्री कृष्ण सचमुच वश में हो गया है। हम कहाँ तक तुम्हारे महिमा का व्याख्यान कर सकूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव या आश्चर्यजनक नहीं है। हे देवी, तुम हमारे
शिविर में आओ, हम तुम्हें अपने शिविर में लेवाने के लिए यहाँ पर आए हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यह कहकर भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी कीर्ति कुमारी श्री राधिका को बड़े आदर के साथ महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आए। श्री कृष्ण के शिविर के नाम है सर्वतो भद्रमंडल। उस शिविर में श्रीमती राधा रानी को रुक्मिणी आदि सखियों ने लाया। जो कमीर पुष्प के वस्त्र माला और श्रृंगार सामग्री समर्पित है, सती रुक्मिणी ने रात्रि के समय विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर गोपांगनाओं के सयुतों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन श्रीकृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया। फिर श्री राधिका को वहाँ सुलाकर वे रानियाँ प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने शिविर में गए। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मिणी ने देखा कि वे बैठे बैठे सो रहे बैठे बैठे जाग रहे हैं। तब रुक्मिणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जाग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी आप सोते क्यों नहीं? श्री कृष्ण भगवान बोले, शुभ्रो, शुभ्रो का मतलब जिनकी बहु बहुत सुंदर है, आईब्रो, तुमने अगवानी करके विनयपूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर ब्रजेश्वरी श्री राधिका की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई है, परंतु एक बात की और तुमने ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती है, किंतु सुंदरी आज श्री राधिका ने दुग्धपान नहीं किया महामते, इसीलिए अब तक उनकी नेत्रों में नींद नहीं आई है और यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ। श्री नारद जी ने कहते हैं, राजन पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मिणी अपने सौतनों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधिका के समीप गए। सोने के कटोरियों में मिश्री मिलाया हुआ गरम दूध डालकर भीष्मक नंदिनी ने बड़े प्रेम से श्री राधिका को पिलाया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके श्री कृष्ण की पत्नियां अपने अपने शिविर में लौटाए। श्री कृष्ण के समीप आकर जब रुक्मिणी जी ने देखा कि श्री कृष्ण के चरणों में छाले पड़े हुए हैं, तो रुक्मिणी जी भी श्री कृष्ण को पूछा, हे प्रभु आपके चरणों में कैसा छाले पड़े हुए हैं? क्योंकि जब श्री कृष्ण सोते हैं तब श्रीमती रुक्मिणी जी श्री कृष्ण का चरण दबाते हैं, तो उस दिन देखा कि छाले पड़े हुए हैं। तो छाले पड़ने का कारण जब समझाया श्री कृष्ण ने, तो एक अद्भुत सा घटना हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे रुक्मिणी जी, आपने तो बहुत सुंदर स्वादिष्ट और गर्म दूध पिलाया, आपको देखते हुए आप दूध के गिलास आपको वापस करने के लिए श्रीमती राधा रानी जल्दी जल्दी दूध पी लिया और अति गर्म था, जिसके कारण मेरे हृदय में छाला पड़ गया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के हृदय में मेरा चरण का ध्यान हमेशा बने रहते हैं, मेरा चरण कमल श्रीमती राधा रानी के हृदय पर है, और जैसे ही दूध गर्म दूध हृदय में गया तो मेरा चरण जलने लगे। इस प्रकार अद्भुत बात सुन करके इनके होश नहीं रहा कि श्रीमती राधा रानी इतना प्रेम श्री कृष्ण से करते हैं। श्री नारद जी ने कहते हैं, हे नरेश्वर, श्री कृष्ण के पास सुनकर रुक्मिणी आदि सुंदरिया बड़े प्रेम से उनके पैर सलाहने लगी और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ। वे परस्पर कहने लगे, मधुसूदन, माधव में श्री राधिका की प्रीति बहुत ही उच्च कुटी की है, उनकी समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं है। ये श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी है। इस प्रकार श्रीमती की राधा रानी की महिमा को जान समझ करके और जो है इन सब श्रीमती राधा रानी के प्रति भक्ति परायण हो गया।